नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नरेंद्र सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज ऑफ नरेंद्र पे। और आज हम बात करने वाले हैं 5G के बारे में, मेरा एक्सपीरियंस। तो 28 तारीख को हमारे यहाँ पर जो 5G सेवा है वो इनेबल कर दी गई है, और जो इंस्टॉलेशन का कार्य है वो हमारे एक मित्र ही कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया था 27 तारीख को कि हम 28 तारीख को आपके जो टावर है इसको 5G इनेबल करने वाले हैं। तो उस दिन मैं काफ़ी एक्साइट था, काफ़ी खुश था। मैंने सोचा कि 5G सेवा शुरू होने वाली है, मैं भी 1 GB की स्पीड से गेम डाउनलोड करूँगा, मूवी डाउनलोड करूँगा। तो मैं काफ़ी खुश था। तो दोपहर 1 बजे तक बारिश हो रही थी और मैं सोच रहा था कि भाई बारिश क्यों हो रही है आज, किसी और दिन हो जाए तो क्या हो। तो आखिरकार 1 बजे बारिश रुकी और शाम की 6 बजे 5G स्टार्ट हो गया। मैं अपना फ़ोन चला रहा था, अचानक इंटरनेट रुका, 4G से डायरेक्ट 5G हो गया और मैं बहुत खुश हुआ। और जैसे ही मैंने नेट स्पीड टेस्ट करने का प्रयास किया तो डायरेक्ट वापस 4G हो गया, वापस 5G हो गया, वापस 4G 5G। मैंने सोचा कि नया इसलिए समस्या हो रही है। तो मैंने नेट स्पीड टेस्ट की, वो आ रही थी 970 MB के लगभग, और कभी कभी ये 1 GB तक आ रही थी। तो मैं काफ़ी खुश हुआ और मैंने सोचा कि अभी गेम डाउनलोड करना बहुत ही मेरे जीवन में सरल हो गया है। तो मैं शाम को अपने घर से अपने इस जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ चलाया और मैंने अपने मोबाइल को हॉटस्पॉट ओपन किया और कंप्यूटर से इंटरनेट कनेक्ट कराया। और सबसे पहले मैंने पबजी गेम खेला, क्योंकि मैं पबजी के अंदर में पहले गेम खेलता था तो 129 से लेकर 150 के बीच में पिंग आते थे। तो अभी मैं जो पिंग चेक कर रहा था तो 74 से लेकर 95 के बीच आ रहा था, जो ठीक था, ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, क्योंकि जो पबजी PC है वो सिंगापुर पर सर्वर है, BGMI को मैंने ट्राई नहीं किया, ठीक है। फिर दूसरी बात, मैंने सोचा कि कोई गेम डाउनलोड किया जाए, तो मैंने GTA जो 100 GB गेम है ना उसको डाउनलोड भी लगाया, और उसको डाउनलोड ही लगाया तो मुझे काफ़ी दुख हुआ, क्योंकि जो गेम था ना, जो वो तो डाउनलोड हो रहा था लेकिन जब स्पीड थी ना वो कभी 36 MB बड़ा वाला MB, ठीक है, और कभी पावर 5 MB, यानी कभी 5G कभी 4G कभी 5G कभी 4G। मैंने सोचा यार बार बार ये समस्या क्यों हो रही है, 5G पे एकदम रुक क्यों ना रहा है। तो मैंने जितनी सेटिंग वो सब करके देख ली, फ़ोन को रिस्टार्ट कर लिया, सिम को बाहर निकाल लिया, जितने मेरे पास हो सकते मैं सब कुछ किया, लेकिन वापस 4G 5G 4G 5G। तो इससे मैं काफ़ी मुझे दुख हुआ, क्योंकि यार नेट बिल्कुल स्टेबल नहीं चल रहा था। तो मैंने नेट पे लिखा, ट्विटर पे लिखा, यूट्यूब वीडियो ओपन किया, तो ये बहुत सारे लोगों की समस्या हो रही है, मेरे अकेले की नहीं हो रही थी, क्योंकि और मैंने ट्वीट पे जो जियो कस्टमर उनको भी लिखा, मैंने बोला कि भाई आपका नेट स्टेबल नहीं है, कभी 4G कभी 5G, दोनों लिखा कि भाई आपकी जिस जगह पे हो वहाँ पर प्रॉपर कवरेज नहीं, जबकि टावर यहाँ से बिल्कुल पास में हमारा है, इससे अच्छा कवरेज क्या हो सकता है, ठीक है। जितने में घर है ना सबसे करीब वाला घर हमारा ही है। तो फिर मैंने सोचा यार ऐसे तो कुछ हो नहीं सकता, नहीं मैं गेमिंग कर पाऊँगा, नहीं कुछ डाउनलोडिंग कर पाऊँगा, तो मैं क्या करूँ। तो फिर मैंने सोचा, फिर मैंने बहुत सारे एप्लीकेशन पता लगाया, तो मुझे एप्लीकेशन पता चला नेट मॉन्स्टर। तो ये क्या करता है कि आपको 5G ओनली पे सेट कर देता है। तो मैंने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया और नेट प्रेफरेंस खोला और वहाँ पर NR ओनली कर लिया। NR ओनली मतलब होता 5G, वो मैंने चलाया तो एकदम 5G हो गया, बिल्कुल नेटवर्क हिल वगैरह कुछ नहीं रहा, और मैंने उस एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर दी, ठीक है। और उसके अंदर दोस्तों एक कुछ फ़ायदे हुए, कुछ नुकसान हुए। पहले मैं बात करता हूँ फ़ायदे के बारे में। एकदम नेट स्टेबल हो गया 5G ओनली, अब कहीं भी जाओ केवल 5G रहेंगे। अगर आपके दो नेटवर्क आ रहे तो भी 5G रहेगा, एक नेटवर्क आ रहा तो 5G हो रहा, अगर सब नेटवर्क चले गए 5G का तो नेटवर्क पूरा गैप हो जाएगा। तो ये उसका मुझे फ़ायदा लगा, क्योंकि मेरी नेट स्पीड एकदम स्टेबल हो गई थी 144 की। और नुकसान ये हुआ था कि दोस्तों जो नेट स्पीड वो स्टेबल हो गई थी, 144 से आगे बढ़ी नहीं रही, चाहे नेट कितने में अच्छे चलो 144 फिक्स हो गई, इससे आगे बिल्कुल नहीं तो जाती है न कम होती है। मैंने सोचा यार ये क्या हो गया, मैं तो फ़ायदे की सोच रहा था, ये नुकसान हो गया। क्योंकि अगर आप जब NR ओनली मोड नहीं था तो मुझे नेट स्पीड कभी 600 भी चली जाती थी, कभी 700 भी चली जाती थी, कभी 900 भी चली जाती थी, लेकिन इससे तो 144 हो गया, फिक्स हो गया। तो मैंने सोचा यार इसको फिक्स करना पड़ेगा, तो मैंने एप्लीकेशन को हटा दिया, तो भी नेट नहीं हो रही। तो फिर मैंने वापस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया और जो पुराना ऑप्शन था वो वापस सेलेक्ट किया, तो उससे स्पीड तो बढ़ गई लेकिन समस्या वो हो गया, कहीं 4G कभी 5G कभी 4G 5G। तो आज दोस्तों मुझे तीसरा दिन हो गया 5G उपयोग करते हुए। और सबसे बड़ी समस्या ये है दोस्तों, अगर आप केवल फ़ोन चला रहे हो, केवल मोबाइल, तो आपका 5G ऑन नहीं रहेगा, हिलेगा नहीं, बहुत कम हिलेगा। लेकिन अगर आप कुछ भी डाउनलोडिंग करते हैं, जैसे कि मैं लेकिन दोस्तों आप कुछ भी डाउनलोडिंग करते हैं, जैसे आपने 5G का हॉटस्पॉट ओपन करके कंप्यूटर में कुछ डाउनलोडिंग करना शुरू कर दिया, तो ये 4G 5G 4G 5G होगा। लेकिन अगर आप ब्राउजिंग यूट्यूब वीडियो देखते हो तो 5G ही रहेगा। तो मैंने जब थोड़ा और पता लगाया तो बोला कि ये बीटा पे चल रहा है, इसीलिए समस्या आ रही है।
तो अभी देखते हैं दोस्तों और क्या होता है। अगर ये 4G 5G रहेगा तो मुझे 5G ओनली पे चलाना पड़ेगा, क्योंकि 4G 5G पे है तो मुझे मज़ा नहीं आता, क्योंकि इससे आपकी स्पीड इफेक्ट पड़ता है, डाउनलोडिंग भी रुक जाती है पहले। जैसे आप जैसे 5G से 4G गए, 4G 5G गए, इससे आपकी पहले डाउनलोडिंग होने रुक जाती है, कभी कभी चलती कभी रुक जाती है, आपको पेमेंट फेल हो जाता है, भिन्न भिन्न तरह की समस्या आती है। तो मोटा मोटा दोस्तों यार मुझे तो एक्सपीरियंस कुछ ठीक नहीं रहा 5G का, क्योंकि मुझे जैसे मैंने सोचा था, जैसे मैंने कल्पना की थी वैसा बिल्कुल नहीं चला। मैं सोचा था कि एकदम 50 MB की स्पीड आएगी, एकदम मक्खन चलेगा, वैसा नहीं है। बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है, बहुत बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। अगर आप 5G चला रहे तो बताइए दोस्तों आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, और कंप्लीट समझिए इस वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाएं। थैंक यू।